वेलकम ऑल द स्टूडेंट्स। द प्रीवियस क्लास हम पढ़ी थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जाए तो तार प्रॉब्लम में देख रहे थे तो आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम आगे बुझा व्हाट डू मीन बाय द स्पेक्ट्रम एंड स्पेक्ट्रा। स्पेक्ट्रा कहते गोटे लाइट फ्रेम कहते स्पेक्ट्रा सिंगुलर फॉर्म स्पेक्ट्रम कहे। स्पेक्ट्रम कहले ग्रुप ऑफ लाइट्स ए ग्रुप ऑफ लाइट फ्रेम कहे स्पेक्ट्रम सिंगल लाइट फ्रेम कहे स्पेक्ट्रा। तम कहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम तो कहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कौन सी ने लार्ज रेंज ऑफ वेवलेंथ डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ अच्छे। सो कुछ रेडिएशन हमें वेवलेंथ फ्रॉम 380 टू 760 nm जो रेडिएशन वेवलेंथ 380 टू 760 नैनोमीटर तब हम कौन से विजिबल रेडिएशन। ओके सो द रेडिएशन हैविंग वेवलेंथ फ्रॉम 380 टू 760 आर कॉल्ड एज द विजिबल रेडिएशन because our eye can be visible, our eye can be seen in this range, but our eye can be detect these particles in this wavelength. The wavelength of a region is 380 to 760 nanometer region, jara am kahuche visible range. Kahi ki visible kahuche na a range jo particles mane rahibe tanko ame dekhibe आठ अधिक रेंज रही कि डिक्रीज रेंज रही देखिपरिया ना तो ओनली दिस रेंज 380 nm रु 760 nm जहाँ कहे विजिबल रेडिएशन। सो द अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन देयर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी is called as the electromagnetic spectrum. The different electromagnetic radiation taka ame arrangement kare chhe in a tabular form. Kemti arrange kare chhe in a tabular form on the basis of their wavelength, decreasing order of their wavelength and increasing order of their frequency. Taka ame koche electromagnetic spectrum. Why this spectrum means a single light? A group of light can coach a spectrum. The different electromagnetic radiation of your arrangement curriculum on the basis of decreasing order of their wavelength, wavelength decreasing order of their wavelength, or increasing order of their frequency. The kind of electromagnetic spectrum. Kind of wavelength of frequency with the inversely proportional. Due to wavelength decrease, frequency increase. तो सब इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन देख तर किसी अर्डर आम देखा तर अच्छे रेडियो वेव्स कौन अच्छी रेडियो वेव्स माइक्रो वेव्स रेडियो वेव्स माइक्रो वेव्स इंफ्रारेड वेव्स विजिबल वेव्स यूवी रे कुछ अल्ट्राभाट रे अति वायल यूवी रे नेक्स्ट एक्सरे नेक्स्ट गामा रे नेक्स्ट हूँ कॉस्मिक रे तो यह भाव आरेंजमेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी and decreasing order of their wavelength. So wavelength sound of the radio waves. And I'm going to say decreasing order, the coming of the radio wavelength. So sound of wavelength calm down the cosmic ray. Jar wavelength calm the frequency of the cosmic ray of wavelength calm frequency. So which is the arrangement of different electromagnetic radiation on the basis of decreasing order of their wavelength or increasing order of their frequency is known as the electromagnetic spectrum. So, why is the spectrum a group of light? Keep going. The visible radiation machine, the visible radiation range of 380 to 760 nanometer.
माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल भी हम देखि पारो नै तो भाईरा सब बैक्टीरिया जे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एगो वेवलेंथ आ कोन छ तो वेवलेंथ ए रेंज से जहां नथी वो तक हम देखि पारबा नै तो कांसेप्ट क्लियर जना बोलले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ओके पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन देखिए पार्टिकल नेचर से बता नेचर ऑफ एमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम द हॉट बॉडीज It is called as the black body radiation. How do you mean? Black body radiation. So, radiation emission होच, जो body, जो तो formation होच, तो कहाँ कहाँ होच? Black body. So, अगर black body थी वो black color रही थी वो, तो जो उठाने कहाँ होच ना? Radiation वाला emitted होच, वो produce होच. तो जो black body रो रेडिएशन एमिट होउछि त कोन कहू छै ब्लैक बॉडी रेडिएशन द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल व्हेन रेडिएशन स्ट्राइक्स इट इट इज कॉल्ड एज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कहले सपोज गोटे मेटल रहै छै जे कोन से मेटल तने मेटल ऊपर जेते बेले सर्टन रेडिएशन जेते बेले कोन कहू छै लाइट फॉल होउ छै लाइट पड़ोची, एटू कौन होची ना इलेक्ट्रॉन सोड़ा मूवमेंट पड़ोची, इलेक्ट्रॉन सोड़ा कौन पड़ोची ना मूवमेंट पड़ोची, ना इलेक्ट्रॉन मूवमेंट को आने होची फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स, फोटो मिक्स लाइट्स, तो लाइट मिक्स रेडिएशन, जो रेडिएशन वाले सर्टन वेवलेंथ रेडिएशन इन द स्ट्राइक करोची, ए मेटल सरफेस ऊपर ले तो वाले स्ट्राइक करोची, तो एक कौन पड़ोची ना इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड पड़ोची, इलेक्ट्रॉन से मूवमेंट जो इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट लाइट द्वारा है थीवा तो हम कुछ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो हम सोलर सिस्टम ए प्रिंसिपल अनुसार है जब हम कुछ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन वो जा रेफरेंस टू हाइड्रोजन तो जब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हम कहिबा हाइड्रोजन शक्ति पार्टिकल्स पड़ले तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन्स मध्य कोन कोस्टा मूवमेंट करउछ और इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट को हम कहउछ इलेक्ट्रिसिटी The electricity is nothing but the flow of electrons. The electrons flow of G, the component of electricity. And generally light is going to happen. Light can go to photo. This is the photoelectric effect. And the flow of hella, J amara radiation, what a particle is going to happen. And like a black body radiation, what is it? Black body radiation. कुछ मैंने ना आयरन ब्लड जी हिटेड दे एमिट रेडिएट फ्रॉम द हाई टू लो एवरेंस ऑन हिटिंग इन द फर्नेस द रेड द रॉड फास्ट बिकम डल रेड एंड बिकम्स मोर रेड एंड देन टेम्परेचर इंक्रीजेस रेड कलर बिकम्स हाई फ्रीक्वेंसी लेंथ बा हाई फ्रीक्वेंसी रेंज सो कुछ ना रॉड नहीं चला वोटा इलेक्ट्रिक रॉड नहीं गोटे एंड रे कोन कोन करिबा ना बर्नर लगे हिट करिबा हम कोन करे हिट ते रॉड के देखियो फास्ट कोन होत माने डल रे बिकॉज़ स्लाइटली रेड होत तो आस्ते 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 कोन होत माने रेड कोन पड़े होत
କାହିଁକି ରେଡ୍ ହେଇଯାଉଛି ନା ଯେତେ ଟେମ୍ପରେଚର ଇନକ୍ରିଜ କରିବା ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ରେଞ୍ଜକୁ ଅଧିକ କରାଯିବ ତ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଅଧିକ ହେଲେ କ'ଣ ଦେଖାଯାଏ ନା ରେଡ୍ ଦେଖାଯାଏ ଯାହାର ୱେଭ୍ ଲେଙ୍କ୍ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଅଧିକ ତ ଆମର ରେଡ୍ ଲାଇଟ୍ କି ଆମେ ଡେଞ୍ଜର ସିଗ୍ନାଲ ଭାବେ କାହିଁକି ୟୁଜ୍ କରୁଛେ ନା ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଯାଇ ତ ଆମେ ଫୋକସ୍ କରିବେ ବହୁତ ଦୂରରୁ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବା ଆମେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିପାରିବା ତ ବ୍ଲାକ୍ ବଡି ଇଜ୍ ଆନ୍ ଆଇଡିଆଲ ବଡି ହୁଇଚ୍ ଅବଜର୍ଭସ୍ ଆଣ୍ଡ ଏମିଟ୍ ରେଡିଏସନ୍ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି The radiation emitted by the such body is called as the black body radiation. मुझे रॉड का हीट पाले तो ये सटन टेम्परेचर गोटे फर्स्ट लिमिटेड टेम्परेचर टिके डल रेड हो स्लाइटली रेड हो टेम्परेचर राइज कले तो रेडनेस आउ बड़ी बड़ी क्या हो तो कहीं ना ये फ्रीक्वेंसी कमी कमी जा फ्रीक्वेंसी बड़ी बड़ी का जाऊँ और रेड बढ़ तो सब कुछ ब्लैक बॉडी किंतु हम सेम बढ़िया कर पाए ब्लैक बॉडी इज ए परफेक्ट आइडियल बॉडी ଯିଏ ପରଫେକ୍ଟ ଅବଜର୍ଭର ହେଇପାରିବ ଏବଂ ଏମିଟର ହେଇପାରିବ ଅଲ୍ ଟେମ୍ପରେଚର ଯେକୌଣସି ଟେମ୍ପରେଚରରେ ବ୍ଲାକ୍ ବଡି କ'ଣ କରିବ ନା ରେଡିଏସନ୍ କରିପାରିବ ଲାଇଟ୍ ଏମିଟ୍ କରିପାରିବ କିମ୍ବା ଅବଜର୍ଭ କରିପାରିବ ତାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ବ୍ଲାକ୍ ବଡି ରେଡିଏସନ୍ ଅଲ୍ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ସେକୌଣସି ସେମିତି କିଛି ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ନାହିଁ ଅଲ୍ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ସେ ଅବଜର୍ଭ କରିପାରିବ ଏବଂ ଏମିଟ୍ କରିପାରିବ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ବ୍ଲାକ୍ ବଡି ରେଡିଏସନ୍ ଏଠି ଯିଏ ପରଫେକ୍ଟ ଆଇଡିଆଲ ବଡି ଏଠି ଯିଏ ପରଫେକ୍ଟ ଆଇଡିଆଲ ବଡି ଅବଜର୍ଭ ଅର୍ ଏମିଟ୍ସ ଲାଇଟ୍ ବା ରେଡିଏସନ୍ ଆଟ୍ ଅଲ୍ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଯେକୌଣସି ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ରିଜିଅନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ଅବଜର୍ଭ କରିପାରିବ ଏବଂ ଏମିଟ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ ଯାହା ଆମକୁ ସବୁ ବ୍ଲାକ୍ ବଡି ଦେଖାଯାଏ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ ଥିଓରି ଅଫ୍ ରେଡିଏସନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ theory of radiation. Now radiation theory by Kedran of Planck's. So Planck's conclusion is in order to explain black body radiation and photoelectric effects, Max Planck in 1900 proposed theory. ବ୍ଲାକ୍ ବଡି ରେଡିଏସନ୍ ଏବଂ ଫଟୋ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଇଫେକ୍ଟକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ମାକ୍ସ ପ୍ଲାଙ୍କ କିଛି ପୋଷ୍ଟୁଲେଟ୍ ଦେଲେ 1900 ଜାଗା ଲୋକଙ୍କୁ କହୁଛେ ପ୍ଲାଙ୍କ କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ ଥିଓରି ଅଫ୍ ରେଡିଏସନ୍ ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ଲାଙ୍କ ଦେଖିବା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଦ ଏନର୍ଜି ଯେ ଅବଜର୍ଭ ଅର୍ ଏମିଟେଡ୍ ବାଇ ବଡି ଡିସକଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ଇନ୍ ଦ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ସ୍ମଲ୍ ପ୍ୟାକେଟ୍ସ discontinuously in the form of small packets. So, this energy is observed or emitted by a body. But a body dwara, either one of energy absorbed hai paribo, kimba emit hai paribo, discontinuously. Continuously, we can say that this body is absorbed paribo, this body is only emit paribo. So, jekunasi body, say metal body, jekunasi body, either energy emit paribo, or absorb paribo, discontinuously. କେଉଁ ଫର୍ମରେ ଇନ୍ ଦ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ସ୍ମଲ୍ ପ୍ୟାକେଟ୍ସ ତାକୁ କହୁଛେ କ'ଣ କହୁଛେ ସ୍ମଲ୍ ପ୍ୟାକେଟ୍ସ ତ ଇଚ୍ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଅଫ୍ ଏନର୍ଜି ଇଜ୍ କଲ୍ ଆଜ୍ ଦ କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ ଇଚ୍ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଅଫ୍ ଏନର୍ଜି ଇଜ୍ କଲ୍ ଆଜ୍ ଦ କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ ଆଣ୍ଡ ଇନ୍ କେସ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଟ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ ଆଜ୍ ଦ ଫୋଟନ୍ ତମେ ଯେମିତି ବାନାନା ଡର୍ଜନ୍ କିଣୁଛ ଗୋଟେ ଡର୍ଜନ୍ ବାନାନା କହୁଛ କଲର୍ ଡର୍ଜନ୍ କିଣୁଛ ତ ସେମିତି ଏନର୍ଜି କି ଆମେ କେଉଁ ଫର୍ମ ମାପିପାରିବା ନା ପ୍ୟାକେଟ୍ ଫର୍ମରେ ତ ଏଇ ପ୍ୟାକେଟ୍କୁ ଆମେ କହୁଛେ କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ କ'ଣ କହୁଛେ କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ ବଟ୍ ଲାଇଟ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ଟାକୁ ଏଇ ପ୍ୟାକେଟ୍ଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଫୋଟନ୍ କ'ଣ କହୁଛେ ଫୋଟନ୍ ତ ଏନର୍ଜି ଅଫ୍ ଫୋଟନ୍ ଡିପେଣ୍ଡ୍ସ ଅପନ୍ ଦ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଅଫ୍ ରେଡିଏସନ୍ ତାହେଲେ ଏନର୍ଜି ଅଫ୍ ଫୋଟନ୍ କାହା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ୍ କରୁଛି ନା ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ୍ କରୁଛି ତାହେଲେ କେମିତି ଡିପେଣ୍ଡ୍ କରୁଛି ନା ଏନର୍ଜି ଡାଇରେକ୍ଟଲି ପ୍ରପୋର୍ସନାଲ୍ ଟୁ ନ୍ୟୁ ନ୍ୟୁ ଅନୁଯାୟୀ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ତ ପ୍ରପୋର୍ସନାଲ୍ ଚିହ୍ନ ହେଲେ କ'ଣ ଆସିବ ନା କନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଏଠି କିଏ କନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଆସିବ ନା ଏଚ୍ ତ ଏଚ୍ କଲ୍ ଆମେ ହେଇପାରିବା ଏଚ୍ ଡି ଯେତେ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ବଢିବ ସେତେ ଏନର୍ଜି ବଢିବ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଦ ପ୍ଲାଙ୍କ୍ସ କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ ଥିଓରି ଅଫ୍ ରେଡିଏସନ୍ ତ ପ୍ରପୋର୍ସନାଲ ଚିହ୍ନ ଉଠିଲେ କ'ଣ ଆସିଲା ନା କନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟ ତ ପ୍ଲାଙ୍କ୍ସ କ'ଣ କହିଲେ ନା ପ୍ଲାଙ୍କ୍ସ କନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟ ତା'ର ଭାଲ୍ୟୁ ଅଛି ମନେ ରଖିବ ପ୍ଲାଙ୍କ୍ସ କନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟ 6.625
into 10 to minus 34 joule into seconds. Joule into seconds. Ram 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 Ram. Remember that's your problem? तो बुझे लाम तो जो प्लांक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन कहिले गोटे बॉडी कंटीन्यूअसली केबे भी एमिट करि परिबो नै कि बा ऑब्जर्व करि परिबो नै इट एमिट्स और ऑब्जर्व एनर्जी इज कंटीन्यूअसली इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स एंड ईच पैकेट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एज द क्वांटम ए पैकेट ऑफ एनर्जी हम कहो छे क्वांटम बट इन केस ऑफ लाइट इट इज कॉल्ड एज द फोटॉन तो फोटॉन के लाइट के तरह हम ये क्वांटम को कहो छे ना फोटॉन हमने एनर्जी के अनुपात से पढ़ा अल एनर्जी कहाँ पर डिपेंड करता है ये डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी कुछ इस तरह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो फ्रीक्वेंसी जितने बड़ी बड़ी क्या सीमा एनर्जी जितने बड़ी बड़ी क्या सीमा तो प्रोपोर्शनल जो नोटली पढ़ा इस तरह कांस्टेंट या तो हम प्लैंक्स कांस्टेंट ओके अलग हम जाने चाहिए न्यू लॉ फॉर्मूला कौन सा सी बाय लैम्डा न्यू लॉ फॉर्मूला में जाने चाहिए सी बाय लैम्डा लेकिन जो पढ़ लिया चाहिए उस जगह तो मालूम पड़ेगा एक्स सी बाय लैम्डा इजुअल को हरी परिवार एक्स सी बाय लैम्डा तो प्रॉब्लम कर रहा है ये सब नहीं करी देख रही हरी
next another theory of photoelectric effects. Photoelectric effects. So photoelectric effect was H. Hertz in 1887 performed an experiment which electrons are ejected when certain metals are exposed to a beam of light. So like Hertz and scientists have an experiment. One experiment is put a metal over because certain radius are put a metal plate over the certain radius are associated. ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ସେଟା ମୁଭମେଣ୍ଟ କରୁଛି ବା ଇଜେକ୍ଟେଡ୍ କରୁଛି ମାନେ ଲାଇଟ୍ ରେଡିଏସନ୍ ଅଫ୍ ସୁଇଟେବୁଲ୍ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି କହିଲା ଯେଉଁ ଥ୍ରେସହୋଲ୍ଡ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ତ ଗୋଟେ ଆମର ମିନିମମ୍ ଭାଲ୍ୟୁ ଅଛି କାରଣ ଏଇ ଭାଲ୍ୟୁଠୁ ବା ଏଇ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଭାଲ୍ୟୁଠୁ କମ୍ ଆସିଲେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ବଟ୍ ଏଇ ଭାଲ୍ୟୁ ସହିତ ଇକ୍ୱାଲ୍ ହେଲେ ହିଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ସ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରୁଛି ଯେଉଁ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଆମେ କହୁଛେ ଥ୍ରେସହୋଲ୍ଡ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି କ'ଣ ହେଉଛେ ଥ୍ରେସହୋଲ୍ଡ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ବୁଝିଗଲା ସବୁ ମାନେ ଲାଇଟ୍ ରେଡିଏସନ୍ ଅଫ୍ ସୁଇଟେବୁଲ୍ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି କଲ୍ ଥ୍ରେସହୋଲ୍ଡ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ହଲ୍ସ ଅନ୍ ଏ ମେଟାଲ୍ ସର୍ଫେସ୍ ଆଜ୍ ରେଜଲ୍ଟ ଦ ଇଜେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ସ ଫ୍ରମ୍ ଦ ମେଟାଲ୍ ଟେକ୍ସ ପ୍ଲେସ୍ ତ ସେଠି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ସ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ବା ଇଜେକ୍ଟେଡ୍ ହେଉଛି ଦ ଇଜେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ସର୍ଫେସ୍ ଅଫ୍ ମେଟାଲ୍ ବାଇ ରେଡିଏସନ୍ ଅଫ୍ ସୁଇଟେବୁଲ୍ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଇଜ୍ କଲ୍ ଆଜ୍ ଦ ଫଟୋ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଇଫେକ୍ଟ ବୁଝିପାରିଲ ସେ କହୁଛି ତାର ମେଟାଲ ପ୍ଲେଟରେ ଗୋଟେ ସର୍ଟନ୍ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସିର ଲାଇଟ୍ ତଳେ ଆସି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଫଲ୍ ହେଉଛି ପଡ଼ିଯାଉଛି ସେଠୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ସ ଗୁଡ଼ା ମୁଭମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ସ ଯେଉଁ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଫଟୋ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ସ କ'ଣ କହୁଛେ ଫଟୋ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ସ ଏବଂ ଏ ପ୍ରୋସେସ୍ ଟା ଆମେ କହୁଛେ ଫଟୋ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଇଫେକ୍ଟ ଫଟୋ ମିନ୍ସ ଲାଇଟ୍ ଆମେ କହିଥିଲେ ତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଯେତେବେଳେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛି ଗୋଟେ ସର୍ଟନ୍ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସିର ଯେଟା ଆମେ ଥ୍ରେସହୋଲ୍ଡ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି କହୁଛେ ତାମାନେ ଆଠରୁ କମ୍ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ଯେମିତି ତମର କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଦ୍ୱାରା ହଣ୍ଡ୍ରେଡ୍ ଦ୍ୱାରା ଥାର୍ଟି ରଖିଲେ ପାସ୍ ଥାର୍ଟିଠୁ କମ୍ ହେଲେ ତମେ ପାସ୍ ହେଇପାରିବ ତ ମିନିମମ୍ ଭାଲ୍ୟୁ ହେଉଛି ଥାର୍ଟି ତ ଥାର୍ଟି ଇଚ୍ କଲେ ଥ୍ରେସହୋଲ୍ଡ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ତାଠୁ ଅଧିକ ହେଲେ ରିଆକ୍ସନ୍ ହେଇପାରିବ ବଟ୍ କମ୍ ହେଲେ ରିଆକ୍ସନ୍ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ତେଣୁ ଏଇ ମିନିମମ୍ ଭାଲ୍ୟୁ ଅଫ୍ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ବା ଥ୍ରେସହୋଲ୍ଡ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ତ ଗୋଟେ ମେଟାଲ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ଉପରେ ଫଲ୍ ହେଉଛି ଏଠୁ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ସ ଇଜେକ୍ଟେଡ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ଇଜେକ୍ଟେଡ୍ ହେଉଛି ନା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ସ ଏଇ ଇଜେକ୍ଟେଡ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ସକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଫଟୋ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଇଫେକ୍ଟ କ'ଣ କହୁଛେ ଫଟୋ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଇଫେକ୍ଟ ଓକେ ଆଚ୍ଛା କହୁଛ କାଇନେଟିକ୍ ଏନର୍ଜି ଅଫ୍ ଦ ଇଜେକ୍ଟେଡ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ସ ଇଜ୍ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ପ୍ରପୋର୍ସନାଲ୍ ଟୁ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଅଫ୍ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଲାଇଟ୍ସ ଏ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ସ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରୁଛି ତା ମୁଭମେଣ୍ଟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ଏନର୍ଜି କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଛି ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ କାଇନେଟିକ୍ ଏନର୍ଜି ତାହେଲେ କାଇନେଟିକ୍ ଏନର୍ଜି ସବୁ ହେଉଛି କାହା ସହିତ ପ୍ରପୋର୍ସନାଲ୍ ନା କାଇନେଟିକ୍ ଏନର୍ଜି ଡାଇରେକ୍ଟଲି ପ୍ରପୋର୍ସନାଲ୍ ଟୁ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ତ ଯେତେ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ବଢି ବଢିକା ଯିବ ସେତେ କାଇନେଟିକ୍ ଏନର୍ଜି ମଧ୍ୟ ଏଇ ଇଜେକ୍ଟେଡ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ସ ବଢି ବଢିକା ଯିବ ବଟ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ କ'ଣ ନା ଥ୍ରେସହୋଲ୍ଡ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଅଧିକ ହେଇଥିବା ଦରକାର ମାନେ ମିନିମମ୍ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଅଛି ଯେଉଁଟା ରିଆକ୍ସନ୍ ହେଇପାରିବ ତ ତାଠୁ ଯେତେବେଳେ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଇନକ୍ରିଜ୍ ହେଇକା ଯିବ ତ କାଇନେଟିକ୍ ଏନର୍ଜି ମଧ୍ୟ ଇନକ୍ରିଜ୍ ହେବ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ କାଇନେଟିକ୍ ଏନର୍ଜି ଡାଇରେକ୍ଟଲି ପ୍ରପୋର୍ସନାଲ୍ ଟୁ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଓକେ ଦ କାଇନେଟିକ୍ ଏନର୍ଜି ଅଫ୍ ଦ ଇଜେକ୍ଟେଡ୍ ଫଟୋ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ସ ଇଜ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି ଅଫ୍ ଲାଇଟ୍ ତାହେଲେ କାଇନେଟିକ୍ ଏନର୍ଜି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁନି କାହାକୁ ନା ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି ଉପରେ ଗୋଟେ ଆମେ କହୁଛେ ବ୍ରାଇଟନେସ୍ ତମେ କହିବ ଲାଇଟ୍ଟା ବହୁତ ବ୍ରାଇଟନେସ୍ ଅଛି ତା କାଇନେଟିକ୍ ଏନର୍ଜି ବଢିବ ନାହିଁ କାଇନେଟିକ୍ ଏନର୍ଜି କେତେବେଳେ ବଢିବ ଓନ୍ଲି ରାଇଜିଂ ଦ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଡାଇରେକ୍ଟଲି ପ୍ରପୋର୍ସନାଲ୍ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ସହିତ ଇଟ୍ ଡଜ୍ ନଟ୍ ଡିପେଣ୍ଡ ଅପନ୍ ଦ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି ଅଫ୍ ଲାଇଟ୍ ଇଟ୍ ଓନ୍ଲି ଡିପେଣ୍ଡ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଅଫ୍ ଲାଇଟ୍ ତ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଇନକ୍ରିଜ୍ କରେ କାଇନେଟିକ୍ ଏନର୍ଜି ବି ଇନକ୍ରିଜ୍ କରେ ତ ଫଟୋ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କରେଣ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ପ୍ରପୋର୍ସନାଲ୍ ଟୁ ଥ୍ରେସହୋଲ୍ଡ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି କହିଛନ୍ତି ତ ମିନିମମ୍ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଗୋଟେ ଅଛି ଆଠୁ କମ୍ ହେଲେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ତ ମିନିମମ୍ ଭାଲ୍ୟୁ ଯେତେବେଳେ ଅଧିକ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ପଡ଼ି ପଡ଼ିକା ଯିବ ତାହେଲେ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଫଟୋ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ସ ତ ନୋ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ସ ଆର୍ ରିଜେକ୍ଟେଡ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ମେଟାଲ୍ ସର୍ଫେସ୍ ଦ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଅଫ୍ ଲାଇଟ୍ ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ ଦ ମିନିମମ୍ ଭାଲ୍ୟୁ ସବୁ ଯେ ଥ୍ରେସହୋଲ୍ଡ ଭାଲ୍ୟୁ ଠାରୁ ଯଦି ଆମେ ମିନିମମ୍ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ପକାଇଲେ ତାହେଲେ କୌଣସି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ସ ଇଜେକ୍ଟେଡ୍ ହେବେ ନାହିଁ ମିନ୍ସ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେବେ ତମେ କେମିଷ୍ଟ୍ରି 30 ମାର୍କ୍ସ ରଖିଲେ ତମେ ଫେଲ୍ ତ ତମେ କୌଣସି ନେକ୍ସଟ୍ ରାଉଣ୍ଡକୁ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରିପାରିବ ନାହିଁ
there is no minimum L. Yes. So similarly, a certain minimum L of frequency known as the threshold frequency. So at that electrons are ejected upon an ion. Electrons are ejected even in the high vacuum. From vacuum level, electrons ejected here. The ejection of electrons is spontaneous process. तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट होउछ जो प्रोसेस रे ताको हम कहउछ इलेक्ट्रिसिटी जेतो लाइट द्वारा होउछ ताको हम कहउछ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ओके तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आइंस्टाइन एक्सप्लेन करले 1905 रे ये एक्सप्लेन करले आइंस्टाइन कैसे आइंस्टाइन तो आइंस्टाइन 1905 स्टडीड द क्वांटम थ्योरी टू एक्सप्लेन द फोटो इलेक्ट्रिक ये फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करबा पाई आइंस्टाइन का 1905 रे स्टडी करे काम करे ना क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन स्टडी करे तो अकॉर्डिंग टू हिम ये आइंस्टाइन अनुसार है व्हेन अ फोटॉन स्ट्राइक्स अ मेटल सरफेस इट यूजेस अ पार्ट ऑफ इट्स एनर्जी व्हिच इज कॉल्ड एज द बाइंडिंग एनर्जी पर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ टोटल एनर्जी गिवन टू द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी आइंस्टाइन वाला स्टेटमेंट भाई है कौन स्टेटमेंट हो उसका आइंस्टाइन जेतो बड़े फोटॉन फ्रीक्वेंसी का लाइट बड़े मेटल सरफेस पर फॉल हो छी और किछ ऑब्जर्व करू छी और किछ एमिट करू छी तो सब जगह पानी ऑब्जर्व करू नहीं जोड़ा बॉन्ड फॉर्मेशन का कुछ कहो छथि बाइंडिंग एनर्जी हम कहो छथि बाइंडिंग एनर्जी ताले फोटॉन फ्रीक्वेंसी का लाइट जोड़े मेटल दिया के पड़ो छी एडी ऑब्जर्व सम पार्ट्स एंड अदर पार्ट्स एमिटेड चलिए 100% ऑब्जर्व करने के 100% एमिट करने तो सम पार्ट से ऑब्जर्व और अदर सम पार्ट एमिटेड ओके तमाम हम कौन भाई करेगा ना टोटल एनर्जी इज इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी अरे टोटल एनर्जी कहाँ से इक्वल है ला मैं कहीं चेक जब तक फोटॉन सीक्वेंस का इलेक्ट्रॉन्स कौन करो ची मेटल से तो बॉन्ड करो ची तब मैं कुछ बाइंड नहीं करो ची हमारे किसी आप जो करो ची आप किसी मोमेंट हो ची तो मोमेंट का हम कुछ काइनेटिक एनर्जी तो हमारे टोटल एनर्जी कहाँ से इक्वल है ला बाइंडिंग एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी तो टोटल एनर्जी में एच न्यू नहीं ची ना तो बाइंडिंग एनर्जी है जरा एच न्यू जीरो प्लस काइनेटिक एनर्जी है जरा कहाँ हाफ एमवी स्क्वायर एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू जीरो प्लस हाफ एम वी स्क्वायर यदि हाफ एम वी स्क्वायर बाहर करेगा तो एच न्यू जीरो माइनस एच न्यू इज माइनस कॉमन ले जा एच कॉमन इज माने न्यू जीरो माइनस न्यू तो ले काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला कहाँ है ला तो हाफ एम वी स्क्वायर में क्या कुछ है काइनेटिक एनर्जी कौन से है तो ये कौन है जीवा x न्यू माइनस x न्यू जीरो तो ये कॉमन नहीं जाए x कहाँ होगा न्यू माइनस तो जो न्यू जीरो नाम कौन से थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नाम कौन से थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो बुझिएगा तो आइंस्टाइन जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पाई है ये स्टडी कर लेता हूँ ना प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की और 1945 ये कहिले जब बड़े फोटॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट तो बड़े मेटल प्लेट ऊपर फॉल करो छी एटी कम करो छी बॉन्ड फॉर्मेशन करो छी जका कहो छी बाइंडिंग एनर्जी तो किछी ये बाइंडिंग एनर्जी फॉर्मेशन करो छी आ किछी सम पार्ट्स कम करो छी ना इजेक्टेड करो छी इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट हो छी तका कहो छी काइनेटिक एनर्जी तो हमारे टोटल एनर्जी कहां से इक्वल है ना बाइंडिंग एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी ओके बदला हमारा फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट स्पेक्ट्रा और स्पेक्ट्रम वाले भी हम बुझे ही थी तो सिंगल लाइट के हम कुछ स्पेक्ट्रा और ग्रुप ऑफ लाइट के हम कुछ स्पेक्ट्रा कुछ रेडिएशन विच कंसिस्ट ऑफ सिंगल वेवलेंथ
known as the monochromatic lens. Moon adjacent to singular lens, what the compound is monochromatic lens. मुझे कौन स्लाइड है कुछ येलो ग्रीन हो ऑरेंज हो दैट इज द मोनोक्रोमेटिक लेंस एंड द रेडियस आर लाइट हैविंग मोर देन वन वेवलेंथ इज नोन एज द पॉलीक्रोमेटिक लाइट्स. यार द लाइट हैविंग सिंगल वेवलेंथ इज नोन एज द मोनोक्रोमेटिक लेंस. तो जो लाइट का सिंगल वेवलेंथ थी वो तक हम कौन पहुंचे मोनोक्रोमेटिक लाइट्स. And the light having more than one wavelength, a number of wavelengths is seen through the approach of polychromatic lights. The splitting of polychromatic light into monochromatic light is called as the dispersion. The polychromatic light the speed is very different. Monochromatic light does the process from a approach na dispersion. Approach dispersion. And the pattern obtained due to dispersion. ए डिस्पर्सन प्रोसेस जो एमती जो पैटर्न गुड़ा अब्टेन है स्पेक्ट्रम बुझेगा सिंगल वेवलेंथ जो लाइट थी आम कौन मोनोक्रोमेटिक लाइट जो वेवलेंथ मोर देन वन वेवलेंथ थी आम कौन पॉलीक्रोमेटिक लाइट द प्रोसेस इन व्हिच पॉलीक्रोमेटिक लाइट कन्वर्टेड टू मोनोक्रोमेटिक लाइट is called as the dispersion. Now, jump process re a polychromatic light kon hochna splitting hoi jauch break up ekni monochromatic light hoch different monochromatic light the process kon hoche dispersion. A dispersion ro jo pattern of light production hela ta kon hoche spectrum means a group of lights. But a spectrum ro two types re guys nahi che bujhela spectrum kon ki idea hela the spectrum is two types. स्पेक्ट्रम का नाम टू टाइप्स मोरे एमिशन स्पेक्ट्रम और अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. ओके वन इज द एमिशन स्पेक्ट्रम एंड अनदर इज अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. तो फर्स्ट देखिए एमिशन स्पेक्ट्रम. एमिशन मींस कौन जोटा प्रोडक्शन हो जाता काम को चाहिए एमिशन. So, this is the pattern of bright line or band seen when the electromagnetic radiation emitted by a substance are passed through the spectrometer. So, the substance को अपने substance हमें रखिए, तो ये substance से suppose हमें light pass करे. अपने light pass करने के द्वारा a different light produce होती है, bright lights produce होती है. जब हम अपने instrument द्वारा measurement करी करेंगे, हमें visible light नहीं होगी. मैं देखिपारे गोटे स्पेक्ट्रोमीटर मापिपर तेनालीसन स्पेक्ट्रा दु प्रकार एमिशन जो प्रोडक्शन हो लाइट ये टू टाइप गोटे कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा गोटे डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रा. एमिशन जो हूँ गोटे कंटिन्यूस कंटिन्यूस अदरवाइज डिसकंटिन्यूस. ओके तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम कौन ना व्हेन सनलाइट इज पास थ्रू अ प्रिज्म जब सनलाइट की कौन कर पास कर प्रिज्म दे दिस ऑब्जेक्ट है डिफरेंट कलर्स जहाँ आम कौन भिविड कलर देख लगे सनलाइट पास कर सेवेन कलर प्रड्यूस कर बी स्टैंड्स पर वायलेट लेना चाहूँ, ये ना इंडिगो, ये ब्लू, ये ना ग्रीन, येलो, ऑरेंज, ये ना रेड, ये ना सब तो जो रेड रो अर्गन कम फ्रीक्वेंसी होती है, सब डिपेंड करता है रेड लाइट बहुत लोगों को देखा जाए सिग्नल को यूज करते हैं, तो तुम्हें सनलाइट पास करो जो ना प्रिज्म दे ए प्रिज्म कौन बोलते सनलाइट का पॉलीक्रोमेटिक लाइट हमको व्हाइट लाइट देखा जाऊँगी
but it is a mixture of different wavelengths. For example, I'm going to polychromatic light. When polychromatic light, there is a wave of original single light source. Then I'm going to vivica. So, violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red. Now, we are going to back on this one. There is a continuous level line produced. So, violet for indigo. One thing is a gap. Indigo for a blue. Blue for a green. Green for a yellow. And continuously charge. No gap between the two colors. If it is a color, it is a gap. Violet is a gap. Indigo is a sunset blue. That is a continuous spectrum. And it is a continuous spectrum. Then, the spectrum is developed by Bunsen and Kirchhoff's. Okay, this is the question of Bunsen and Kirchhoff. Okay. So, which is the continuous spectrum? They are discontinuous spectrum. Suppose the spectrum that consists of a series of sharp lines separated by the dark lines is called as the discontinuous spectrum. It is all a continuous discontinuous spectrum. Suppose when a color of a silver violet, तापने ऐसीला इंडी को ये ठीक है तो डार्क लाइन पर ऐसीला देखो ये टा हॉलेट ये टा इंडी को बट आप मार्जिन पर ऐसीला नाम उन्हें डार्क लाइन पर ऐसीला पर ऐसीला डार्क लाइन तो कंटिन्यूअसली अब आप लाइट एमिटेड है ना कंटिन्यूअस तो कौन सा ना हॉलेट पर इंडी को पर ब्लू तो कंटिन्यूअसली डिफरेंट लाइन प्रोड्यूस होती है सार्क लाइन बा ब्राइट लाइन प्रोड्यूस होती है कौनसी नो गैप्स, नो डार्क लाइन, बट डिस्कंटिन्यूअस के पार होती, बोटी बोटी लाइन भी उधर है, डिफरेंट डार्क लाइन पड़े हैं सोच, जहाँ का मुझे डिस्कंटिन्यूअस, तो क्लियर, तो स्पेक्ट्रम मुझे ना, स्पेक्ट्रम टू टाइप्स ना, एमिशन स्पेक्ट्रम, अब्जर्वेशन स्पेक्ट्रम, तो एमिशन स्पेक्ट्रम टू टाइप्स ना, वन इज द कंटिन्यूअस, अनदर इज द डिस्कंटिन्यूअस, तब देखिएगा अब्जर्वेशन स्पेक्ट्रम तो इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स पैटर्न ऑफ द डार्क लाइन्स जो डार्क लाइन प्रोड्यूस हो रहा है तक हम कहे ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रम व्हिच आर ऑब्टेन व्हेन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज पास्ड थ्रू एन ऑब्जर्विंग मीडियम इन द स्पेक्ट्रोस्कोप सपोज हमारा टेस्टिंग मीडियम है ऑल से बुझा देंगे मैं टेस्टिंग मीडियम है मैं टेस्टिंग डिफरेंट सॉल्यूशन में ही छे ये कौन सा सॉल्यूशन इन्हें हम लोग लाइट पास कर रहे हैं रेडिएशन पास कर रहे हैं रेडिएशन हमारा स्पेक्ट्रोमीटर में देख लें सपोज से कौन है ना सपोज वायलेट इंडिगो ब्लू ये वाला कथन हमारे इंडिगो जगह रे कौन रहे इसमें डार्क लाइन कौन रहे इसे डार्क लाइन अलग डार्क लाइन जो इंडिगो और वायलेट साइड का समान अलग इंडिगो और वायलेट जगह रे हमारे कौन रहे इसे ना डार्क लाइन अलग ठीक कंफर्म दैट दिस सॉल्यूशन ऑफ द सेम वायलेट एज द इंडिगो लाइट्स क्लियर सपोज हम अपने टेस्ट ट्यूब में एनएसएन रही है इस राउंड एग्जांपल में रिक्वायर्ड इज सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन मैं जो लाइट प्रोड्यूस कर रहा हूं मैं डिफरेंट लाइट्स का देख लिया स्पेक्ट्रोमीटर हम नीचे खाली इधर पर है ना इधर स्पेक्ट्रोमीटर सब लाइट की तरह जो बट येलो लाइट से इधर हम पढ़ चुका डार्क लाइन में है वो लाइट से रहा येलो लाइट लेकिन कंफर्म्स दैट दिस सॉल्यूशन ऑफ द सेम वेवलेंथ एज द येलो लाइट्स सदी में येलो लाइट्स का हम डार्क लाइन लिख रहे हैं मैंने येलो लाइट है ऑब्जर्व है जी इसी दिस सॉल्यूशन तो जो डार्क लाइन का डिस्को है जिस तरह ऑब्जर्व सना का बोलते हैं मैं बोलते हैं ऑब्जर्व तो बोलते हैं तो इमिशन वाला और वाला ऑब्जर्व सन स्पेक्ट्रा सेम टाइम देखिए वह एटॉमिक स्पेक्ट्रा देखिए मैं देखिए वह एटॉमिक Excited, jump from one state to another state.
तो कैसे एक्साइटेड है हमें यदि आप एक कंपोनेंट हीट दबा बा हाई टेंपरेचर दबा बा रेडिएशन दबा बा जब कोई कैटलिस्ट प्रेजेंस है यदि इलेक्ट्रॉन्स गोटे ऑर्बिट रा गोटे ऑर्बिट की गोटे एटम रा मूवमेंट करो छे तब हम कहो छे एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स अले एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स रे हम एनालाइज करबा केतरा लाइन प्रोड्यूस हो छे ओके तो जे हम यदि हाइड्रोजन नवा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा तो हाइड्रोजन हम हीट करबा इलेक्ट्रॉन्स गोटे अच्छी मुवमेंट कर डिफरेन्ट आम लाइन सब प्रड्यूस हो जरा कौन स्पेक्ट्रा लाइन सब देख एटा होन टू थ्री फोर फाइव समस्त जंपल सेकंड ऑर्बिट अगर कोचे बाल्मर सीरीज हम कोचे बाल्मर এটা কোরিজন দেখা যাচ্ছে না ভিজিবল রিজিয়ন যদি সমস্ত ইলেকট্রন জাম্পল থার্ড অরবিট এখন হচ্ছে পাস চেন এখন হচ্ছে পাস চেন দেখা যাচ্ছে নিউট্রাল রিজিয়ন সমস্ত ফোর্থ লেভেল নেই এনার্জি লেভেল ফোর then this whole line producer from this local again and bracket you will see infrared region in the thing this is almost the fifth level of example electrons for that and I go check in front you will see infrared region so define as the atom go extract electrons the jump was in different lines of produce which then for different side of this work which is then our answer is CNH line one we have the kind of region तो बालवा जोड़ा विजिबल रीजन में पास्चन इन्फ्रारेड इसो इन्फ्रारेड रीजन तो इस तरह में संप्राय जमती हमारे बहुत ले एमिशन स्पेक्ट्रा तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा से तो सेमते अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा एटम का जंप हो जी गोटे लाइट का वो एवरेज हम को दिखा रहा ना ब्लैक कलर दिखा रहा है दैट इज द अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा तो क्लियर हम दिस सोलर स्पेक्ट्रम टू टाइप्स ऑफ ला सेमते हमारा ये मदर टू टाइप्स दैट इज द एमिशन स्पेक्ट्रा एंड अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा तो आज भाई इतने का नेक्स्ट टर्न पढ़िबा बोर्ड स्टार्ट में हमारे लिए तो निश्चित भाव पढ़ेगा।